नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष वर्मा है। मैंने यूपीपीसीएस 2021 के 21 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ। इसमें मेरी 24वीं रैंक थी कि सबसे पहले हमें 6th, 7th, 8th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, क्योंकि इस एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको विश्व की महाद्वीपीय भूगोल के बारे में स्पष्ट ज्ञान मिल जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा, 9th और 10th की न्यू एनसीईआरटी के बारे में बताया गया। इसके बाद 11th क्लास की एक इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी आती है, और दूसरा जो आती है फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है, जो जीएस पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है और साथ ही साथ ऑप्शनल में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद 12th क्लास की दो न्यू एनसीईआरटी आती हैं, जिसमें एक लोअर अर्थव्यवस्था और दूसरा मानव भूगोल। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी आप पढ़ें तो उसको लाइन बाई लाइन पढ़ें। इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना आप कितना उसमें से एक्सेप्ट कितना आप उसमें से प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी को दूसरे टाइम में पढ़ें तो आप ये देखिए कि जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद सर ने जब एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हमारी कम्प्लीट हो गई तो दूसरी बार सर ने हमसे ये बोला कि किस तरह से हमको एनसीईआरटी को पढ़ना है और उस एनसीईआरटी से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में सर ने हमें ये बताया कि सिविल सर्वे परीक्षा में पुराने प्रश्नों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए सर ने हमें घटना चक्र पब्लिकेशन के पूर्वावलोकन लेने को कहा, और उन्हें पढ़ने के बाद उनसे जुड़े छोटे छोटे नोट्स तैयार करने को कहा, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले पुराने क्वेश्चनों को हम गलत ना कर सकें। जिस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था उस बोर्ड के चेयरमैन द्वारा मुझसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है, जबकि आपका शैक्षिक पृष्ठभूमि विज्ञान विषय की रही है, तो आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों रखा। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था, इस जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था अगस्त माह में, तो उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स होके चुके थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मेरे से प्रश्न पूछे गए, जलवायु परिवर्तन से मेरे से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, शिक्षा का अधिकार, ध्वज संहिता में क्या परिवर्तन हुआ है, विशाखा गाइडलाइन से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो मेरे से प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में उनमें अत्यधिक विविधता थी, जिसका मुझे लाभ भी हुआ। और प्रश्नों के उत्तर एकदम सामान्य रूप से दीजिए आप, इस तरह से नहीं कि आप कोई विशेष चीज़ बताएं उन्हें, वरना वो उस विशेष चीज़ में आपसे फिर से प्रश्न पूछेंगे। जैसे सिंपल सा है, जलवायु परिवर्तन पूछा है तो आप उसको इतना ही बताइए कि जलवायु परिवर्तन क्या है।